इसका इनोग्रेशन जो हमको तो फर्स्ट टाइम ये हमारा डीसी सर ने हमको बुलाया, ये डीसी सर ने प्रोग्राम कराया, हम दिल से हम थैंक्सफुल करता है डीसी सर से। और बच्चा के लिए ये चीज़ पहले और कोई ऐसे करता, बहुत आगे बढ़ना था बच्चा लोग। हम तो सोचा हमारा डीसी सर ये कोई इतना आयस वाला लोग आके चला गया, ऐसे कराया नहीं है। आज मेरा ये डीसी जो एक तो ये भी मेहनत से करके आने वाला है, ये मेहनत वाला आदमी मेहनत का चीज़ समझेगा, इसलिए ये अच्छा चीज़ कराया। आज से हमारा हम उम्मीद करता है हमारा बच्चा लोग और आगे बढ़ेगा। तो आपकी तरफ से सीखे जो भी नहीं, बच्चा यहाँ से बहुत कुछ सीखेगा, हम भी थोड़ा थोड़ा सीख लिया थोड़ा। उनको कुछ अपील रहेगा आपकी तरफ से? 100% अपील हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक। स्टेम लैब बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स सबको मिला के बनता है, तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी इनोवेशन प्रमोट करने के लिए बहुत ये अच्छा लैब का कंसेप्ट अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया है। सो ये लैब जो है हमने अनटाइड फंड से बनाया है, हमने अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3 ऐसे लैब और एक लैंग्वेज लैब बनाने का ट्राई किया है, और जल्दी आने नेक्स्ट वीक तक वो सारे लोग इनॉग्रेट हो जाएंगे। इस लैब में जैसे पहले बताया मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो इसमें हमको साइंस भी यूज़ करना है, साइंस में फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी है और मैथ्स भी है, और अदरवाइज एक जनरल अवेयरनेस तो है ही चीज़ों के लिए। तो इसमें आज के तारीख में 180 डिफरेंट असाइनमेंट्स या एक्सपेरिमेंट बच्चे लोग कर सकते हैं, और 180 के करस्पॉन्डिंगली हर किसी का 10 सेट्स है, तो बच्चे सफिशेंटली इसको यूज़ कर सकते हैं, ड्यूरेशन तक यूज़ कर सकते हैं। बिसाइड्स जो हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से 1 साल तक जो है जो इन्विजिलेटर है या जो पढ़ाने वाला है वो भी हमने ही प्रोवाइड किया इसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिंसिपल मैडम से कि जो आपके साइंस टीचर्स हैं उनका जो इन्होंने फैकल्टी डिप्यूट किया है उससे इंटरेक्ट कराते रहें, सो दैट कि जब 1 साल बाद इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा तो आप इसको अच्छे से टेक ओवर कर पाएँ और इसको फ्यूचर में भी यूज़ कर पाएँ। साथ ही जितने भी बच्चे लोग, जितने भी टीचर लोग इसको यूज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि 1 साल का ही प्रोजेक्ट है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए एसेट बना के जा रहे हैं हम लोग, तो इसको आने वाली जनरेशंस भी यूज़ करें, तो कम से कम अच्छे तरीके से यूज़ करें, कम से कम चीज़ें ख़राब करें। यूज़ करेंगे तो ख़राब होगा, लेकिन इसको संभाल के रखना है सो दैट कि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, नेक्स्ट छोटे बच्चे हैं, उनको भी ये यूज़ करने का मौका मिले। सर जैसे कि आज आपने इनोग्रेट किया सर, और कैप्टन कॉम्प्लेक्स में सर या पफम पार्क में भी देखा गया कि स्कूल के बाहर सर बहुत सारा जैसे कि टोबैको प्रोडक्ट्स मिलता है, तो सर लेकिन बहुत सारा आप लोगों की तरफ से ऑर्डर भी इशू हो चुका है कि ऐसे टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं मिलना चाहिए स्कूल के सामने, तो उसको लेके सर आप लोग क्या? देखिए वैसे तो ऐसा कंप्लेंट नहीं आया है फॉर्मली, लेकिन जितने भी जो लोग दर्शक देख रहे हैं और जितने भी टीचर्स, फैकल्टी, प्रिंसिपल्स देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं फॉर दैट मैटर, अन्य अंशु आपसु, उनको सबको मैं बताना चाहूँगा, कानून के हिसाब से स्कूल गेट से 200 मीटर की पेरीफेरी तक कोई भी टबाकू प्रोडक्ट सेल परचेज नहीं कर सकता है। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो इमीडिएट हमारे CO लेवल में, SDO लेवल में, ADC लेवल में, मेरे लेवल में या फिर पुलिस के डिपार्टमेंट को कंप्लेंट करें, उचित कार्यवाही तुरंत ही की जाएगी। थैंक यू। बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा? बच्चों के लिए जो मैसेज है वो है कि इसको अच्छे से यूज़ करें, जिसमें जितना इसका कैपेबिलिटी उससे ज़्यादा यूज़ करें, 24 आवर्स यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यूज़ करने के लिए, लेकिन अच्छे से यूज़ करें। और जो इसका इंटेंडेड बेनिफिट है कि स्पोकन इंग्लिश, रिटर्न इंग्लिश और हमारा कम्युनिकेशनल इंग्लिश, उसको अच्छे से इम्प्रूव करें, तो वो सीखें और अपने फ्रेंड्स को भी सिखाएं, और एक छोटा सा क्लब बना लें जिसमें एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लब हो, एंड आई होप कि जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो बच्चे हमसे इंग्लिश में ही बात करेंगे। सर जैसे कि आपने आज यहाँ एक खोला और कहीं और जगह पे खोलने का लैंग्वेज लैब या ये वाला लैब तो बाकी जगह भी रेप्लिकेट करने का नहीं सोचा है, जो दूसरा लैब हमने सुबह इनॉग्रेट किया वो साइंस लैब जो है वो काफ़ी जगह खोलने का विचार कर रहे हैं हम लोग इसका, क्योंकि इसमें एडेप्टिव लर्निंग काफ़ी ज़्यादा है और बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है, फैकल्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो वंस JNV गुमतो गिव्स अस द फीडबैक कि ये बच्चे से सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपना नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम भार्गव है, माई माई स्टेम लैब कंपनी दिल्ली से आ रहा हूँ। यहाँ पे हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल दोईमुख में हम लोग ने एक इनोवेशन लैब सेटअप किया है, जिसमें बच्चों को मतलब क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक जो भी वो बच्चे सब साइंस और मैथ सब्जेक्ट्स में जो कुछ भी पढ़ते हैं उनको प्रैक्टिकली हर चीज़ करके सीखने के लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किट्स, प्रोजेक्ट मटेरियल वगैरह दिया हुआ है। साथ साथ यहाँ पे मतलब टीचरों को भी एक्सप्लोर करने के लिए बड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल्स, मतलब जब भी क्लासरूम में कुछ पढ़ाया जा रहा है तो साथ साथ वो एक्सपेरिमेंट करें ताकि बच्चे अच्छे से सीखें। जब कोई चीज़ आप सीख करके सीखते हो लाइफ लॉन्ग आपको याद रहती है, ताकि जब पढ़ के करते हो,
तो और इस लैब में और मतलब बड़े डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल्स है, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किट्स है जो हर बच्चे को एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल सकती है। साथ साथ इसमें हमारा टूल्स और इक्विपमेंट्स और है, जिससे मतलब बच्चे अगर उनको लगता है मुझे ये प्रोजेक्ट बनानी है या मुझे इसको डिज़ाइन करना है या इनोवेशन करनी है, उसके लिए बहुत सारे टूल्स और इक्विपमेंट मटीरियल भी है, ताकि बच्चे बाहर मार्केट में ढूंढना ना जाना पड़े, इसी लैब में आके यहाँ के ट्रेनर की सहायता से वो प्रोजेक्ट कर पाए। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के दौर पे यहाँ पे 3D प्रिंटर वगैरह है, जैसा मान लीजिए आपको कोई पार्ट नहीं मिलती है तो बच्चे खुद कंप्यूटर पे उसको डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर उसको प्रिंट किया जा सकता है, जैसा नॉर्मल प्रिंटर में प्रिंट कर सकते हैं। तो ये इन सारे चीज़ के साथ क्या है, बच्चों को मतलब जब आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि इन लोग ने यही से ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने का और सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज़ करने का सीख जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा, स्कूल को भी फ़ायदा होगा। थैंक यू।